नए प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में अब प्रदेश की कमान। नए सेनापति की तैनाती के ऐलान से मची हलचल। प्रदेश में अब सपा नए सिरे से हासिल करेगी मजबूती। नए प्रदेश अध्यक्ष ने कमान मिलते ही कस दिए नेताओं के पेच। साफ शब्दों में लापरवाही पर एक्शन का दिया संकेत। देखिए किसके हाथ में सपा ने अब सौंपी है कमान। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जहां सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी की मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नए सेनापतियों को भी नियुक्ति दी जा रही है। अखिलेश यादव ने पहले सदस्यता अभियान के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की, तो अब प्रदेश की कमान नए हाथों में सौंप दी है और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए सख्त निर्देश भी दिए हैं। वहीं कमान हाथ में आते ही नए प्रदेश अध्यक्ष भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और कई नेताओं के पेच कसते हुए साफ लहजे में पार्टी की मजबूती पर ध्यान देने और लापरवाही को छोड़ने की हिदायत दी है। बताएंगे कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बना है और कैसे नेताओं की कमान कसी गई है, लेकिन पहले आप बताएं कि सपा में नए सेनापतियों की नियुक्ति क्या पहले पार्टी में नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या नए सेनापति अब सपा के लापरवाह नेताओं के लिए खतरा साबित होंगे? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष की, तो लगातार पार्टी आलाकमान से नेतृत्व परिवर्तन की मांग की जा रही थी और कहा जा रहा था कि बदलाव जरूरी है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले सौदान सिंह यादव को सपा की विंग समाजवादी लोहिया वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि आलाकमान उत्तर प्रदेश में पार्टी नेतृत्व में बदलाव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने फिलहाल मध्य प्रदेश में समाजवादी लोहिया वाहिनी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। मामले पर सपा आलाकमान का कहना है कि प्रदेश में तो सपा की मजबूती पर काम चल ही रहा है, लेकिन अब अन्य प्रदेशों में सपा को मजबूत बनाने के लिए पार्टी आलाकमान प्राथमिकता के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और अगर पार्टी को मजबूती के साथ सत्ताधारियों से जंग के मैदान में उतरना है तो फिर यूपी से बाहर अन्य राज्यों पर भी ध्यान देना होगा। वहीं सौदान सिंह यादव को जैसे ही जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को सख्त हिदायत दी कि अब तक जो लापरवाही चलती रही उसे छोड़ना होगा और पार्टी के हित में और मजबूती पर काम करना ही होगा, तभी हम सत्ताधारियों के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे और सियासी जंग को जीत पाएंगे। अब देखना यह है कि सौदान सिंह यादव की नियुक्ति मध्य प्रदेश में सपा को कितनी ताकत दे पाती है और सपा कैसे सत्ताधारियों के सामने चुनौती पेश कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।